इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको एक इक्वेशन के रूट दिए गए हैं, क्या बोल रहा है कि बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो इक्वल रूट्स देन। भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो कर सकते हो। आपको एक रिमार्क लिखा है, वही है कि ये साइक्लिक ऑर्डर है। देखो बी माइनस सी, फिर सी से स्टार्ट होगी सी माइनस ए, फिर ए से स्टार्ट होगी ए माइनस बी, है ना। इस तरीके का जो ऑर्डर है आपका, इस तरीके का जो ऑर्डर है आपका, वो ही आपका साइक्लिक ऑर्डर होता है। ये जो आपका ऑर्डर है वो ही आपका साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो ट्राई करते हैं हम एक्स इक्व टू, ट्राई एक्स इक्व टू वन रखें, तो रखिएगा एक्स इक्व टू वन, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्व टू जीरो इज ऑल राइट। क्लियर है सारी बातें, तो यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, क्या बनेगा। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्व टू जीरो। मुझे तो कटता हुआ नजर आ रहा है, तो जीरो इक्व टू जीरो आ गया, तो ये सेटिस्फाई है। बाई एक्स इक्व टू वन। अच्छा, इसमें भी यही बोला गया है कि ये दोनों रूट इक्वल हैज इक्वल रूट्स, ये दोनों रूट क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास वही पहले की तरह की बातें आ गई है, एक्स इक्व टू वन वन, दोनों रूट्स आ गए हैं, बात में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने बोला था वही आ गया है। कोफिशेंट इसका एक्स इक्व टू वन रखने पर सारी बातें हो गई हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, जैसे हम सम ऑफ रूट निकाला थोड़ी देर पहले, सम ऑफ रूट वन प्लस वन टू हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या हो जाएगा, वन क्रॉस वन इक्वल टू वन, और यूज हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ही करना है, जैसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हो जाएगा सी बाई ए, और सी बाई ए आपका सी ये रहा, सी क्या है आपका ए माइनस बी अपॉन ए, बी माइनस सी इक्वल टू वन। थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, और इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो क्या नज़र आएगा हमें, हमें नज़र आएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। हाँ बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई तीन टर्म्स, कोई थ्री नंबर्स या टर्म्स एपी में होती है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। हाँ जी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई तीन टर्म एपी में है तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइड टू होते हैं। तो आपका ए बी सी इन किस में आ गए हैं, एपी में आ गए हैं। ये किस में आ गए हैं भाई आपका, सॉरी, ये आपका आ गया है या आपका एबीसी किस में आ गए हैं, एपी में, किस में है, एपी में।